काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है मास्टर। वन। कहते हैं इंसान के हंसने पर गाल पर डिंपल पड़ते हैं, हंसो। आदित्य, हर जगह तुम्हारी बातें देखो। 70% लोग चाहते हैं कि तुम्हें माफी मिल जाए। अब समझो तुम आजाद हो ही जाओगे। थैंक यू। मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। अपनी आजादी के लिए तुम खुद लड़े हो। कह रहे हैं कि इस हफ्ते प्रेसिडेंट पार्डन पिटीशन पर साइन कर सकते हैं, उसके बाद तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल सकते हो। जब जब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में सब ठीक हो रहा है, तभी जाकर कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ बदल जाता है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसमें 50 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई है। इस हमले पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के साथ अन्य देशों ने, ये आतंकवादी हमें चैन से जीने नहीं देंगे, फैसला किया है कि ऐसे हमले करने वाले आतंकवादियों को सरकार कभी भी माफ नहीं करेगी। देश की जनता भी सरकार के इस फैसले के साथ है। ऐसे आतंकवादियों का अब बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुझे अब तक फांसी दिए बिना क्यों घुमा रहे हैं ये लोग, क्या बात है? अगर सरकार तुम्हें माफ भी कर दे तो हम माफ करने वाले नहीं है। छोड़ेंगे नहीं तुझे। इंसान आज तक खुद को समझ नहीं पाया है। जहाँ प्यार करना चाहिए वहाँ नफरत करता है। सुख में दुख में जहाँ साथ देना चाहिए वहाँ हमेशा अकेला छोड़कर चला जाता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ आदित्य, चिंता मत करो। यहाँ की परिस्थितियाँ बदल रही हैं। वैसे यहाँ हर कोई तुमसे नफरत करता है। अगर मैं उनकी तरह ना बनूँ तो मुझे 1,00,000 रुपए दे दो, तुम्हारी स्लिप मैं तुम्हें दे दूंगा। और अगर नहीं दिए, एसपी को दे दूंगा। इस बार लास्ट एंड फाइनल, 5 अंडे दे दो। और हाँ, वो वाली बुक भी लाना, पढ़ने वाली नहीं, तस्वीरें देखने वाली। और साथ में पान किवाम वाला, उसका स्वाद लिए बहुत दिन हो गए हैं। कहते हैं जल्दबाजी में आदमी सोच नहीं सकता। अगर जल्दबाजी में आप काम करेंगे तो बाद में आपको अफसोस होगा। कभी कभी जल्दबाजी की भी सजा भुगतनी पड़ती है, और ये बात मुझे गुरुजी ने ही सिखाई। राष्ट्रपति जी की क्षमा याचना का इंतजार कर रहा है। सभी को ये आशा थी कि कल तक क्षमा मिल जाएगी, पर आज के हमले के बाद शायद राष्ट्रपति चिंतित हैं कि क्षमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने जो खेल खेला उसमें जीत, कमाई हुई इज्जत
ये कुछ भी जनता के गुस्से के सामने नहीं टिक पाए। प्रेसिडेंट ने क्षमा याचना नहीं दी, मुझे हाई सिक्योरिटी में शिफ्ट करके मौत के मुंह में फेंक दिया गया। ए, तेरा आखिरी मुहूर्त निकल चुका है, बहुत खुशी हो रही है। तू मुझसे बचना चाहता था ना साले, सही टाइम पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ये तेरी मौत के लिए हुआ है ऐसा लग रहा है। थू। इतने दिन जो मेरे लिए नफरत थी ना, उसमें ईमानदारी नजर आ रही थी, लेकिन आज तो पूरा करप्ट लग रहा है, एक नंबर का कमीना। उनकी मौत मेरी फांसी के लिए नहीं हुई थी, जब ऑन ड्यूटी थे तब मरे थे वो। मरने वाले के मुंह से मुझे गाली बड़ी मीठी लग रही है। तेरी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, अब बता दे मुझे तो किससे मिलना चाहेगा? लॉयर से मिलना है मुझे। उसका भूत अभी तक उतरा नहीं है। नॉटी। आपकी आंखों में आंसू है, इसका बस एक ही मतलब होता है कि आपको मेरी फिक्र है। मुझ पर यकीन करने के लिए आपका शुक्रिया। अगर उस दिन मैंने केस नहीं छोड़ा होता तो शायद आज तुम बाहर होते। I'm really sorry, आदित्य। आपकी कोई गलती नहीं, जिंदगी में जो होना होता है होकर ही रहता है। क्या आप मेरी एक आखिरी मदद करेंगी? मैं मरने से पहले विश्वविख्यात चेस प्लेयर के साथ एक मैच खेलना चाहता हूं। वर्ल्ड चैंपियन चेस प्लेयर ने मान लिया है, इसलिए एक आतंकवादी को खेलने की अनुमति देंगे तो जनता का इस व्यवस्था से विश्वास उड़ जाएगा। डिफेंडेंट लॉयर अपने पर्सनल एजेंडास को फुलफिल करना चाहती हैं। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, आदित्य मेरे क्लाइंट है, मैं एक लॉयर हूं, उससे बढ़कर मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। आदित्य के रेयर टैलेंट के बारे में पूरी दुनिया जानती है, फ्यूचर जनरेशंस पर रॉन्ग असर होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ही स्वभाव होता तो जिस जेल में वो रहा है उसे बाकी कैदियों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की अच्छी सोच नहीं आती। योर ऑनर, योर ऑनर, 40 मासूम लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार की हालत इस समय बहुत बुरी है, और इसकी जो वजह है अगर उस इंसान पे दया दिखाई जाएगी तो देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, अतीत वर्तमान और वर्तमान भविष्य का फैसला करता है। मैं यही चाहती हूँ कि अभी एक और जो भी फैसला ले आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बने। इस दुनिया से चला जाएगा ये सोचकर वो बस आखिरी बार अच्छे से जीना चाहता है। आशा है आप इंसानियत के नाते आदित्य की आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। मैंने अपने लंबे करियर में कई खतरनाक मुजरिमों को देखा, बट वंस इन अ वाइल कम्स वेरी रेयर केस। उसकी पैदाइश और उसका परिवार कैसा है उसी हिसाब से उसका सफर बनता है। शायद इस देश को उस पर गर्व होता। वो अपनी सजा को कम करने या हटाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि अपने आप में बदलाव लाने वाले खेल को वो आखिरी बार खेलना चाहता है, और उसकी इस इच्छा को पूरी करने में कोई गलत बात नहीं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस फैसले को ये समाज बहुत अच्छे रूप में देखेगा। हेलो पापा, कोर्ट ने इस महीने की 27 को आदित्य को वर्ल्ड चैंपियन चेस प्लेयर के साथ खेलने की परमिशन दे दी है। सिगरेट है क्या? अब तक तो नहीं खरीदी। आज मैं विश्वविख्यात चेस प्लेयर के साथ मैच खेलने वाला हूँ,
आइएगा जरूर। 3 बजे होने वाले मैच के बारे में बता रहे हो? सुबह 4:30 बजे तुम्हें फांसी लगेगी, मौत से डर नहीं लगता?